आप सभी का स्वागत है ह्यूमैनिटीज सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर में। दोस्त, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं दोस्त, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है दोस्त हाईवे। दोस्त, हाईवे एक टॉपिक है, उसके अंदर हम लोग सर डिजाइन जब करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पेवमेंट को दोस्त, तो वहां पे बहुत सारे लेयर्स लगाते हैं। वो भी देखेंगे कि कितनी टाइप्स की लेयर्स लगाते हैं, किसके बाद कौन सा लेयर्स हम लोग लगाते हैं। दोस्तों, मेनली जो आज हम लोग देखने वाले हैं, प्राइम कोट, सील कोट और टेक कोट। दोस्त, होता क्या है वो चीज समझते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिख लेते हैं क्या चीज हमको देखने वाले हैं। प्राइम कोट, सील कोट और टेक कोट। तो सबसे पहले आप इमेज आप देख सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट किस टाइप का होता है। इसके बाद आप क्रॉस सेक्शन आप फिर देखो कि अगर रोड को सेक्शन को कट करने के बाद बीच से कैसे क्रॉस सेक्शन दिखाई देती है आप देख सकते हो। इसके बाद कौन कौन सा लेयर्स लगाई गई है वन बाय वन आप देख सकते हो। चलो इसको डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे समझते हैं दोस्त। तो हम लोग यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल, यहाँ पे हम लोग इस पेमेंट का क्रॉस सेक्शनल हम लोग यहाँ पे ले लिए। तो जो सबसे नीचे जो डाउन होता है ना दोस्त, जो सबसे नीचे यहाँ पे होता है नेचुरल सब ग्रेड, नेचुरल सब ग्रेड। तो हम लोग जो नीचे का मिट्टी या सॉइल होती है उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग एक लेयर लगाते हैं दोस्त, यहाँ पे लेइंग करते हैं दोस्त, जिसका नाम है सब ग्रेड। इसके बाद जो हम लोग दोस्त लगाते हैं यहाँ पे, इसका नाम है हम लोग सब बेस। इसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बेस कोर्स। इसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बाइंडर मटेरियल। इसके बाद दोस्त हम लोग सरफेस मटेरियल लगाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग एक छोटी सी थिकनेस होती है दोस्त, जो कि हम लोग यहाँ पे हम लोग लगाते हैं सरफेस, सरफेस कोर्स। ये हम लोग सर इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में ये डिवाइड होती है। यहां तक आप देख रहे हो जो बेस कोर्स से यहां तक जो आप देख रहे हो दोस्त, इसको हम लोग एग्रीगेट पार्ट हम लोग बोल देते हैं कि ये एग्रीगेट पार्ट है दोस्त। और ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोल देते हैं कि असफाल्ट, ये असफाल्ट का एक पार्ट है दोस्त। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्त यहाँ पे कि प्राइम कोट कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ लगाते हैं। तो आप देखो जैसे ही बेस कोर्स आपने लगाया, आप समझते हैं कैसे हम लोग लगाते हैं। आपने देखा होगा जब एक पेमेंट रोड बनती हो तो सबसे बहुत बड़ी बड़ी बोल्डर्स, बहुत बड़ी बड़ी बोल्डर्स तो इस टाइप से लगाई जाती है। तो इसके बाद थोड़ी छोटी लगाई जाती है, इसके बाद फिर थोड़ी छोटी लगाई जाती है। इस प्रकार के एग्रीगेट्स, छोटी छोटी एग्रीगेट्स को हम लोग ऊपर की तरफ आते जाते हैं दोस्त। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हो एग्रीगेट्स, और एग्रीगेट्स के बीच का ये आप देख रहे हो वाइट्स जो भी है दोस्त, उस वाइट्स को हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक, इसका नाम है दोस्त, इस लेयर का हम लोग दोस्त क्या बोलते हैं, हम लोग प्राइम कोट, प्राइम कोट हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्त, प्राइम कोट। प्राइम कोट की यूज करते हैं कि जो इस वाइट्स दोस्त, इस वाइट्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिल करते हैं प्राइम कोट को, ताकि जो हमारी जो वाइट से एक कॉम्पैक्ट बन सके, वो फिल हो जाए और यहाँ का जो भी हमारा बेस कोर्स है कॉम्पैक्टेड हो, स्ट्रेंथ उसको हो सके दोस्त उसके पास। दूसरी चीज क्या है कि जो ग्राउंड से है दोस्त, कि हमारा वाटर कैपिलरी जो राइज होती है वो पेनिट्रेट ना करे दोस्त, इसके लिए भी हम लोग प्राइम कोट यूज करते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सील कोट। सील कोट दोस्त हम लोग सबसे ऊपर लगाते हैं दोस्त, सरफेस कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे दोस्त, सब सरफेस पेवमेंट के सबसे ऊपर में आपने देखा होगा कि वहां पे लगाया जाता है। बहुत
थिन लेयर की लगाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सील कोट। तो पर्पस क्या है इसका लगाने का? पहला जो पर्पस है दोस्त, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। दोस्त आपका जब भी व्हीकल चलती है, आप देखते हो कि आपका जो व्हीकल है बहुत स्पीड चलती है। स्पीड चलने का रीजन क्या है? उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मिलती है। आप जब भी ब्रेक्स लगाते हो, रुक कैसे जाती है? क्योंकि ऊपर पे हम फ्रिक्शन का डिजाइन किए होते हैं, फ्रिक्शन उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज किए रहते हैं दोस्त, ताकि आपका ब्रेक्स अच्छा से लग सके, या फिर आपका टायर्स जो है, आपका जो चक्का जो है दोस्त व्हीकल का, अच्छा से अच्छा स्पीड घूम सके, वो स्लिप ना करे दोस्त। इसलिए भी हम लोग उसका सील कोट का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्त, दूसरा पर्पस के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं। कैसे? रेनी वाटर जो आ रहा है दोस्त, वो डायरेक्ट कहाँ आती है? रोड्स पे आती है। अब क्या है कि अगर ये रेनी वाटर अंदर पेनिट्रेट कर दे दोस्त, तो हमारा ये अंदर का जो भी है ये डिस्ट्रॉयड कर सकती है दोस्त यहाँ पे। लेकिन अगर हम सील कोट यहाँ पे लगा दिए, तो ये वाटर यहाँ पे पेनिट्रेट करेगी ही नहीं, और ये हमारा अंदर का जो भी मटेरियल है वो खराब भी नहीं होगी। तो दूसरा पर्पस ये हुआ। थर्ड जो पर्पस हमारा है दोस्त, कि अगर इस लेयर को हम इसके ऊपर लगाते हैं दोस्त, तो क्या है कि सरफेस कोर्स का जो लाइफ का स्पान का जो लेयर का जो लाइफ है ना दोस्त, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जितने भी व्हीकल से सरफेस कोर्स अगर बिना सील कोट का लगाए, तो जितना भी यहाँ पे दोस्त हमारा सरफेस कोर्स लगाए हुए है, वो जल्दी इरोडेड हो जाएगी, वहां से कबड़ने लगेगी दोस्त, इरोडेड सारा मटेरियल्स हो जाएगी, धीरे 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 वहां से खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हमें सील कोट लगा दिया, तो कुछ सालों के बाद वो धीरे 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 डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे वो होगी। लेकिन ये अगर मैंने सील कोट लगा दिया, तो इंक्रीज उसका लाइफ इंक्रीज कर दिया मैंने रोड। चलिए अब बात करते हैं दोस्त हम लोग टेक कोट का। टेक कोट दोस्त हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। आप देखो कहाँ लगाते हैं हम लोग, बाइंडर मटेरियल और सरफेस कोर्स, जो भी सरफेस कोर्स या मटेरियल भी इसको आप बोल सकते हो, सरफेस मटेरियल जो भी लगाते हैं, इसके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं दोस्त, हम लोग टेक कोट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं टेक कोट? ताकि बाइंडिंग मटेरियल और सरफेस मटेरियल के बीच में बॉन्डिंग अच्छा से हो, एक दूसरे को पकड़े रहे, एक दूसरे में बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन। इसके लिए क्या हम लोग करते हैं? टेक कोट का यूज करते हैं। दोस्त आज का हम लोग टॉपिक ये समझे कि प्राइम कोट, सील कोट, टेक कोट क्या है। छोटी सी चीज आपको बताई जाती है, पूछी जाती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें दोस्त, और अच्छा से अच्छा आप करने की कोशिश करें। जब भी एग्जाम में कुछ भी हो, कभी भी आए, तो आप अच्छा से इसको करो। दैट्स ऑल, थैंक यू।